अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आशीष जोशी पार्क ट्रेन ब्लॉग चैनल के साथ और मैं आज फिर मौजूद हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी रेलवे जंक्शन पर, जो कि अब जंक्शन नहीं रहा। तो दोस्तों आज हमारी जर्नी है शॉर्ट जर्नी कराची से लेके हैदराबाद रेलवे स्टेशन तक 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस में। तो दोस्तों 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस में मैं यूँ सफ़र कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले, आज से 2 हफ्ते पहले जो है ये गाड़ी जो है डिरेल हो गई थी सहारी रेलवे स्टेशन के करीब, जिसमें जो है बहुत कीमती जानों का भी नुकसान हुआ। तो दोस्तों आज हम उस ट्रेन में जो है सफ़र कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या जो है उसमें ख़राबी आई थी, उस पर भी बात करेंगे और उस ट्रेन को भी ज़रा रिव्यू करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:05 और अभी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो है वो जा चुकी है और बस हमारी ट्रेन अभी आने वाली है, तो स्टे ट्यून हमारे साथ रहिएगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा जो है मैं स्टेशन भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा इसका पेडिस्टल ब्रिज लांडी रेलवे स्टेशन का, देख सकते हैं, और मैं आपको ओवरलुक देता चलूँ कि ये रही छोटी सी मेन बिल्डिंग लांडी रेलवे स्टेशन की। इसके अलावा ये अब की रूप में अब की जो है वो ट्रैक है ये डाउन का, और इसके साथ आप फर्दर देख सकते हैं एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो कि लोकल ट्रेन का होता हुआ करता था। एक ज़माने में बहुत ट्रेन जो है यहाँ पे चला करती थी लोकल, जिसको कहा जाता था KCR के नाम से। इसके अलावा यहाँ से जो है आप उस लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं, सामने यहाँ से भी एक ट्रैक जो है वो औरंगी की तरफ जाया जाता था, लेकिन ये बहुत साल पहले अबेंडेड कर दिया गया। जो देख सकते हैं सामने आपको झील भी दिख रही होगी, ये पूरा जो है वहाँ पर प्लेटफॉर्म और ट्रैक हुआ करता था, माल बरदार गाड़ियाँ और लोकल ट्रेन भी जो है यहाँ पे जाया करती थी। तो दोस्तों बस हमारी भी ट्रेन आने वाली है और आप देख सकते हैं मुसाफिरों का अच्छा खासा रश है यहाँ पे, कैंटीन वगैरह भी ओपन है यहाँ पे, और हज़ारा एक्सप्रेस का यहाँ पे गालिबन 2-3 मिनट का स्टॉप होता है, तो चलें वो आती है, जब तक इसका वेट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो आ गई है ZCU की लीड के साथ सरप्राइजली। वैसे इसके अंदर HGMU 30 लगता है, 6317 लोकोमोटिव। दोस्तों हमारी आज की जर्नी है AC स्टैंडर्ड में, और AC स्टैंडर्ड बहुत आगे है, तो इससे पहले ट्रेन चले तो हम चलते हैं। दोस्तों इकोनॉमी क्लास से होते हुए इसी स्टैंडर्ड में हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं इकोनॉमी क्लास की ऑक्युपेंसी खाली है, ज़्यादा इतना रश है नहीं इसके अंदर। दोस्तों एज़ यूजुअल हमारी ट्रेन लांडी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और हमारा आखिर में AC स्टैंडर्ड डब्बा है। इस ट्रेन के फेयर्स आपको दी हुई गई स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, ट्रेन तमाम 1/2 घंटा लेट है और आज इसकी लीड पर सप्लाइज ली ZCU 30 6417 लगा है, तो देखते हैं कैसे ट्रेन को लीड करता है। बहुत कम देखने में आता है कि हज़ारा एक्सप्रेस को ZCU लगता है, तो अब देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी रंग पटानी रेलवे स्टेशन जो है स्किप कर रही है हमारी ट्रेन, वाइट रेट तकरीबन 1/4 घंटा लेट है और शार्प कर्व आप देख सकते होंगे।
रंग पटानी की छोटी सी बिल्डिंग। तो जब कर दिया है कि आप लोग देख रहे हैं एसी स्टैंडर्ड का माहौल। यहाँ पे फैमिलीज वगैरह भी, इस वजह से मैं इसका सही तौर पे रिव्यू कर नहीं रहा। ये रही मेरी सीट जो कि 59 नंबर है, और आप ट्रेन की स्पीड देख सकते हैं आबोताब स्पीड के साथ। ट्रेन जो है जमशाई और जमपीर के दरमियान जो है वो रन कर रही है, और स्पीड भी इसकी अच्छी खासी है, तकरीबन 100 के क्रॉस होगी। सामने आप विंड देख सकते हैं, शीशे की थोड़ी हालत थोड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से बाहर का नज़ारा कुछ सही नहीं दिख रहा। और ये विंड जो आ जाते हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब भी रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है अभी धमाकेदार स्पीड में, स्टैंडर्ड का हमारा सफर जारी है हज़ारा एक्सप्रेस पे। अभी जब भी रेलवे स्टेशन यहाँ से स्किप हुआ है, और एसी स्टैंडर्ड का मैं आपको बताता चलूँ कि एसी स्टैंडर्ड में कूलिंग बहुत अच्छी है और एसी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। ताकि ट्रेन आधा घंटा जो है वो लेट है, लेकिन फिर भी जो है वो इनफ है। दोस्तों आगे जो है बस के बाद मेन के अंदर मुरादाबाद और बुलारी रेलवे स्टेशन आएगा, मीटिंग आएगा उसके बाद, फिर देन बुलारी, फिर कोटकी, देन हैदराबाद। कोशिश करेंगे कि रिवर को भी जो है वो कैप्चर करें। और इसकी हालत मैं आपको मैं बता दूँ कि इसमें अपना सी एफ आई सी एन आर कोचेज जो है वो मिक्स है, और ए सी सेंटर की पुरानी सी एफ आई कोच जो है वो लगी है इकलौती, जो कि थ्रू आउट द हज़ारा रेलवे स्टेशन तक जाती है। और इस ट्रेन के रूट का भी मैं बताता हूँ, वाया लाहौर हज़ारा स्टेशन हवेलिया तक जो है वो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सस्पेंशन वगैरह, ट्रेन ज़्यादा हिल भी नहीं रही है, तो ये कि, और इसके अंदर एक और बात बता चलूँ कि इसके अंदर डेनी कार्ड भी जो है वो लग गया है, चाय पराठा, दोपहर का खाना, रात का खाना भी जो है इस पर मिलता है। तो आइए मज़ीद आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहरान ब्रिज जो है पास हो रहा है, बुलारी से जो पहले आता है इसके बाद बुलारी स्टेशन आएगा, और उसके बाद जो है वो कोटरी आएगा। तो ये पास कर रहे हैं बहरान ब्रिज। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग शाह लतीफ एक्सप्रेस जो है यहाँ पे खड़ी हुई है 8226 के साथ बुलारी रेलवे स्टेशन पे, जिसको हमने ओवरटेक किया है। कॉइन स्टिंग जो है नज़ारा है कि हमने इसको आधे घंटे के फासले से भी इसको जो है बुलारी रेलवे स्टेशन पे जो है पकड़ लिया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोटरी रेलवे स्टेशन जो है वो आ गया है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट जो है स्टॉप करेगी,
और फिर जो है वह यहाँ से रवा तबा हो जाएगी। दोस्तों हमारी मंजिल जो है वो कोटपी तक ही तो इख्तिताम पहुँची, क्योंकि हमें जो हैदराबाद तक जाना था, लेकिन हमारा जो है रिश्तेदार का घर जो है वो कोटरी से करीब था, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोटरी ही उतरा जाए। दोस्तों मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आइए ट्रेन का डिपार्चर कैप्चर करते हैं और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी ट्रेन हमें छोड़ के कोटरी रेलवे स्टेशन पे टूवर्ड्स हैदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है। इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होगा। आई होप आपको जर्नी पसंद आई होगी एसी स्टैंडर्ड की। और इसी के पीछे पीछे शाह लतीफ एक्सप्रेस आ रही है। ये रहा हमारा कोच एसी स्टैंडर्ड का। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।